अभी तक जानवरों के लिए शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु बहुत जल्द दिल्ली के द्वारका में पशुओं के लिए शमशान घाट बनने जा रहा है। अब दिल्ली में घर में पशुओं को पालने वाले लोग उनका अंतिम संस्कार भी करेंगे। आपको बता दें, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारका में स्मॉल एनिमल क्रीमेटोरियम का निर्माण करने जा रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का दावा है कि ये भारत का पहला स्मॉल एनिमल क्रीमेटोरियम होगा। 700 वर्ग मीटर में होगा शमशान घाट का निर्माण। दिल्ली के द्वारका में 700 वर्ग मीटर जमीन पर कुत्ते, बिल्ली, बंदर और सुअर का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा। इस शमशान घाट में दो तरह के फर्नेस होंगे। एक फर्नेस जिसमें सिर्फ पालतू कुत्तों का शवदाह किया जाएगा, वो 150 किलो की होगी। वहीं दूसरी फर्नेस में बिल्ली, बंदर, आवारा कुत्तों और सुअर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस शमशान घाट में 30 किलो तक के वजन वाले कुत्तों के लिए 2,000 रुपये का चार्ज लगेगा। 30 किलो से ज़्यादा वजन वाले कुत्ते के लिए 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा। इसका निर्माण दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कराएगा, लेकिन इस घाट का इस्तेमाल दिल्ली के सभी लोग कर सकेंगे। इस शमशान घाट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए पुजारी भी होंगे। जिस तरह से मानव का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी तरह व्यवस्था इस घाट में भी की जाएगी। इस शमशान घाट में अस्थियों को रखने की व्यवस्था भी की जाएगी। जो लोग अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं, वो अस्थियाँ वापस ले जा सकेंगे। अस्थियाँ रखवाने के लिए रैंक भी बनाए जाएंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।